हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं साबूदाना खिचड़ी। ये स्पेशली व्रत या उपवास में खाया जाता है क्योंकि इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, ये इजीली डाइजेस्ट होता है, ये बहुत ही हेल्दी है। ये व्रत में ही नहीं, हम ऐसे भी खा सकते। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया 2 कटोरी साबूदाना तेल, 1 कटोरी फली दाना कूटा हुआ, 1 आलू है बारीक कटा हुआ है, और ये सूखी लाल मिर्च है, ये जीरा 1 स्पून है, सेंधा नमक है, हरी मिर्च बारीक कटी और धनिया पत्ती बारीक कटा। सबसे पहले मैं साबूदाना 2 कटोरी ले रही हूँ और इसको पानी डाल के अच्छे से धो रही हूँ। अच्छे से धो के मैं इसका पूरा पानी छान कर निकाल दूँगी। मैंने 2 बार पानी में धो लिया था, अब मैं उसमें डाल रही हूँ पानी। भिगाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें उतना ही पानी डालना है जितना साबूदाना लेवल में ना है। उसके बाद मैंने इसे ढक के 3 घंटे के लिए रख दिया है। 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं मेरा साबूदाना काफ़ी खिला खिला बना है क्योंकि इसमें मैंने पानी एकदम लेवल में डाला था, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अब मैंने गैस ऑन करके बर्तन रख दिया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 2 स्पून ऑयल। यहाँ पे आप घी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने डाला था सूखा मिर्ची और 1 स्पून जीरा। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया, अब मैं उसमें डाल रही हूँ बारीक कटा आलू। ये कच्चा आलू 1 है मीडियम साइज़ का, आप चाहो तो आलू उबाल कर भी डाल सकते हो। अब मैं इनको भूंज रही हूँ जब तक थोड़ा सा अच्छे से पक ना जाए या थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए। उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे व्रत का है इसलिए मैंने केवल इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप और भी अदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। अब मेरा आलू भुन चुका है, अब मैंने उसमें डाल दिया है साबूदाना। साबूदाना डाल के तुरंत बाद हमें फली का पाउडर डालना है। ये भुना हुआ फली है, उसका मैंने पाउडर बना लिया। पाउडर अच्छे से बनाना है, दरदरा नहीं। अगर पाउडर फाइन रहेगा तभी दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं और साबूदाना एकदम खिला खिला बनेगा। मैंने फली का पहले आधा पाउडर डाला था, अब बाकी बचा हुआ पाउडर भी मैंने डाल दिया। मतलब यहाँ पे मेरे 2 कटोरी साबूदाना था कच्चा वाला और 1 कटोरी फली जिसको भून के मैंने पाउडर बना लिया। अब मैंने सेंधा नमक डाला है क्योंकि व्रत का है। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे ही नॉर्मली बना रहे हो तो आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं मेरा साबूदाना काफ़ी खिला खिला बना। इस पूरे प्रोसीजर में मेरा गैस का फ्लेम स्लो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ढक के रखूँगी 1 मिनट के लिए। अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो आप छिड़कना, अदरवाइज़ नहीं। अब मैंने ढक दिया, 1 मिनट हो गया है, आप देख सकते हो। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊँगी, मेरा साबूदाना काफ़ी अच्छे से बना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हरी धनिया। हरी धनिया डाल के भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मेरा साबूदाना कम्प्लीटली बन गया है, ये काफ़ी खिला खिला बना है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये बारीक वाला साबूदाना है। आप चाहो तो मोटा साबूदाना भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको भीगने में आधे घंटा या 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप रात को भिगो दो और सुबह बनाओ। अब मेरा साबूदाना बन गया है, आप भी इसको बना के देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।